बात करेंगे डॉलर की ऊंची उड़ान की। डॉलर ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक ही दिन में डॉलर 8 रुपए 30 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 223 रुपए की सतह उबूर कर गया। सिर्फ 2 रोज में डॉलर 12 रुपए 55 पैसे महंगा हो चुका है। आपको बता रहे हैं डॉलर ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक ही दिन में डॉलर 8 रुपए 30 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 223 रुपए की सतह उबूर कर गया। सिर्फ 2 रोज में डॉलर 12 रुपए 55 पैसे महंगा हो चुका है। आपको बता रहे हैं डॉलर ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक ही दिन में डॉलर 8 रुपए 30 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 223 रुपए की सतह उबूर कर गया। सिर्फ 2 रोज में डॉलर 12 रुपए 55 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। डॉलर ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक ही दिन में डॉलर 8 रुपए 30 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 223 रुपए की सतह अबूर कर गया। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रोफेसर अकबर नूर जो कि माहिर मुआशियात हैं। सर बहुत शुक्रिया रोही को वक्त देने का। सर बताइएगा कि बढ़ते डॉलर से मुल्की मईशत को क्या नुकसान होने जा रहा है। जी बेसिकली ये आप डॉलर में जितना शार्पली इंक्रीज हुआ है जैसे अभी आप भी बता रहे थे, क्योंकि ये हमारी लिक्विड करेंसी में दुनिया की हमारी सारी फॉरन पेमेंट जो है उसी में हमें करनी होती है। जैसे अभी आप डाटा बता रहे थे कि 2000 ये पिछला क्या नाम है ट्यूसडे को जब 207 रुपये का था, सैटरडे को बंद हुआ 207 पे। और ये इलेक्शन के फौरी बाद क्योंकि पोलिटिकल अनसर्टेनिटी आई है तो उसकी वजह से बड़ी तेजी से बढ़ा है। और जैसे अभी आप बता रहे थे कि आप ये तकरीबन 223 पर जो है वो इंक्रीज इसमें आ चुका है। तो इस पूरे हफ्ते में तकरीबन लास्ट ट्यूजडे से आज ट्यूजडे तक 16 रुपये जो है इसमें इंक्रीज आया। तो इस वक्त ये 223 के लगभग जो है वो स्टैंड कर रहा है। तो बेसिकली जो इसकी रीजन है वो एक तो हमारे यहाँ इंपोर्ट बिल हमारा बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से फिर करंट अकाउंट डेफिसिट भी जो हमारा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। फिर बहुत सारी मार्केट इंटरफेक्शंस हैं। ओवर स्पेकुलेशन हमारे यहाँ लोग ज़्यादातर जो है वो डॉलर की शक्ल में अपने एसेट रखना चाहते हैं क्योंकि तेज़ी से हमारे यहाँ चीज़ों की प्राइसेज जो है वो कम होती है। और एक बड़ी वजह जो है गवर्नमेंट लेवल पर हमारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी है जिसे कि मैनेज एक्सचेंज रेट होना चाहिए। और इनके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो तो पोलिटिकल अनसर्टेनिटी है। जिस मुल्क में इस तरह की अनसर्टेनिटी हो चाहे कि नॉन इकोनॉमिक सेक्टर है लेकिन वहाँ फिर ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होती। तो और फिर अगर हमारा इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी ज़्यादा है तो इसका हमारी इकानमी में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। अगर हमारा इम्पोर्ट अगर बढ़ता है तो तब भी उसके ऊपर इकानमी के ऊपर ही हो जाएगा, हमारी पेमेंट्स बढ़ेंगी। और जरूरी है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ानी चाहिए, इम्पोर्ट बिल रिड्यूस करना चाहिए और एक्सचेंज रेट को किसी हद तक मैनेज करना चाहिए। अगर हम इसे मैनेज नहीं करेंगे, ये डिमांड सप्लाई मार्केट फोर्सेस उसी मैटम से रखेंगे तो ये सभी हमारे हमसे कंट्रोल नहीं होगा। और ताज़ा इसका इकानॉमिक इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही नेगेटिव आएगा। तो जरूरी है इसके लिए हमें इसको मैनेज करना चाहिए, लेकिन ये सभी मुमकिन हो सकेगा जब इकानॉमी में किसी तरह का कोई काम आएगा। जी अच्छा सर, आप क्योंकि माहिर मुआशियात हैं हमें ये भी बताइएगा रोही के नाजरीन को कि हमें ऐसे क्या इकदाम करने होंगे जिससे डॉलर दोबारा से मुस्तहकम हो जाएगा। जी मैंने अभी आपसे ये बात कर रहा था कि सबसे बड़ा जो इसका रीजन सेक्टर है वो तो हमारा इम्पोर्ट बिल है। अब देखें कि पाकिस्तान में आलमोस्ट हमारा कोई 74 बिलियन के लगभग हमारी जो है वो इम्पोर्ट है और उसके मुकाबले में जब 30 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट है तो आलमोस्ट कोई हमें 44-45 बिलियन का जो है वो ट्रेड में डेफिसिट है। और करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है जो कि पिछले साल किसी हद तक बेहतर हुआ था लेकिन अब से जो बिल है वो उसके बढ़ने की वजह से ये काफी आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। इस तरह आपसे ये भी कह रहा था कि ओवर स्पेकुलेशन है हमारे यहाँ। लोग जो है वो डॉलर को ज्यादा डिमांड इसलिए करते हैं कि अगर प्राइसेस बढ़े तो उसको उनमें जो है वो काफी सारा प्राइस इंक्रीज की वजह से बेनिफिट हो जाए। और एक वजह मैंने आपको ये भी कहा था कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की उसकी एक वजह है। तो अगर उसको हम मैनेज कर लें तो तब भी इंपरफेक्शन है जो हमारे यहाँ वो भी अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर ले तो इस हवाले से हम इसको काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। अगर जब हमारे पास अपनी इनकम नहीं होती है हम सारा बाहर से बारो करना है, IMF से बेल आउट पैकेज लेना है सूरत में डॉलर के ऊपर बर्डन जो है हमारा। प्रोफेसर साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सदर मुल्तान चैम्बर ख्वाजा उस्मान साहब। सर बहुत शुक्रिया रोही को वक्त देने का। सर ये बताइएगा कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से क्या डॉलर बढ़ता ही जा रहा है? तो बिल्कुल डॉलर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है और कारोबार इस टाइम बिल्कुल रुक गए हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा। जो डिसीजन आज करते हैं कल वो डिसीजन बुरा लगता है और इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी के साथ मुल्क चलना अजीब गरीब की सूरत हाल बनी खड़ी है। मेरी गुजारिश होगी गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट जो भी जहां पर भी पहुंचाना चाहती है इसको एक सिमत में पहुंचाए जल्दी, जितनी देर होगी उतना ज्यादा कारोबार का नुकसान होगा। जी ऐसे सर ये भी बताइएगा कि सर ये भी बताइएगा कि किस तरीके से आप डॉलर को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि अभी मुल्क में कोई प्रॉपर हुकूमत है तो सही इस वक्त, लेकिन फिर भी डॉलर की उड़ान हम देखते हैं दिन ब दिन। आज 12 रुपए एक ही दिन में, 2 दिन में इजाफा हो गया, तो उसको कैसे कंट्रोल करेगी हुकूमत? सर 12 रुपए 13 रुपए का जो इजाफा हुआ है ये इजाफा सिर्फ सेंटीमेंट की बेस पे हुआ है और इसको फाइट भी सेंटीमेंट की बेस पर ही किया जा सकता है। तो हमारे बहुत सारे दोस्त ममालिक मौजूद हैं, हमें फौरी तौर पर उन दोस्त ममालिक से राब्ता करना चाहिए और जिन टर्म से भी हो मैं रिपीट करूंगा डॉलर लेकर आने चाहिए, वरना इन्फ्लेशन का जो तूफान आना है और जो चीजें आनी है वो कंट्रोल से बाहर हो जानी है। अगस्त के अंदर अब जो IMF की शराइत भी हैं जब वो भी लागू होंगी, जैसे बिजली के रेट के ऊपर गवर्नमेंट का इख्तियार नहीं रहेगा, पेट्रोल के रेट के ऊपर गवर्नमेंट का इख्तियार नहीं रहेगा और जब डॉलर आपका फ्री फॉल में चल रहा होगा तो मुल्क में अनार्की भी फैलेगी, मुल्क में अमन अमान भी खराब होगा और कारोबार भी सारे बंद होंगे। मेरा सिर्फ इसका यही है कि हमें डॉलर लेकर आने चाहिए, चाहे आप अपने दोस्त ममालिक से बात करें, चाहे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी आउटसाइड बैठी उनसे बात करें, या फिर फौरी तौर के ऊपर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करें ताकि वो मजीद से मजीद डॉलर लेकर आए। जी बहुत शुक्रिया ख्वाजा उस्मान साबिक सदर मुल्तान चैम्बर और प्रोफेसर अकबर नूर हमारे साथ मौजूद थे जो कि माहिर मुआशियात हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया रोही को वक्त देने का। आपको बता रहे हैं कि डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। डॉलर ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक ही दिन में डॉलर 8 रुपए 30 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 223 रुपए की सतह उबूर कर गया है। सिर्फ 2 रोज में डॉलर 12 रुपए 55 पैसे महंगा हो चुका है। आपको बता रहे हैं कि डॉलर ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक ही दिन में डॉलर 8 रुपए 30 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 223 रुपए की सतह उबूर कर गया। हमारे नाज़रीन को मैं ये भी बताता चलूँ कि जब हमारी माहिर मुआशियात से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से डॉलर अपनी उड़ान भरता जा रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि डॉलर तगड़ा होने के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा की मुस्लिम लीग नून पर तनकीद। चेयरमैन मार्केट कमेटी शेख ताहिर कहते हैं नून लीग ने मईशत तबाह कर दी है। डॉलर बुलंद तरीन सतह पर जा चुका है। मजीद इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है जुनैद अनवर ने। जी जुनैद बताइएगा उन्होंने क्या कहा। जी बिल्कुल, डॉलर जो है उसकी कीमत में इजाफा होते हुए देखा जा रहा है। एक रोज़ के अंदर ही डॉलर की जो कीमत है वो 6 रुपए तक जो है इजाफा देखने में आया है। इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो मुस्लिम लीग नून पर जो है उसका मलबा डाल रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जो ना तजर्बेकार पॉलिसी हैं उनके बायस जो है वो डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है। इस वक्त चेयरमैन मार्केट कमेटी शेख ताहिर मसा मौजूदन से बात करेंगे। शेख साहब कैसे देखते हैं आपके कारोबारी शख्सियात इससे किस कदर मुतासर हो रही हैं डॉलर की कीमत में इजाफे से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद आप देख रहे हैं कि इन्होंने आते ही मुल्क की मैशियत का बेड़ा गर्क कर दिया है। डॉलर के अलावा पेट्रोल देखें आप, 100 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ाया इन्होंने जो तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ और डॉलर कितनी ज़्यादा उड़ान है उसकी वो भी आप देख रहे हैं और मुल्क की मैशियत का क्या हाल किया है वो भी आप देख रहे हैं। ये कहते थे इनके पास ना तजर्बेकार टीम है, हमारे पास तजर्बेकार टीम है, वो कहाँ है टीम? उसको इस्तेमाल करें, कहाँ है? ये बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। इनको शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज़ का जो ये नवाज शरीफ का जो बयानिया था वो बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का। इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत आएगी और आप देखेंगे डॉलर भी अपनी इंशाल्लाह बिल्कुल लेवल पर आएगा और इंशाल्लाह पेट्रोल भी कम होगा और महंगाई कम होगी। अच्छा ये बताएं, मार्केट के अंदर जो है वो अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में यकीनी तौर पर डॉलर के इजाफे के साथ फ़र्क भी पड़ता है, तो आप क्या देख रहे हैं कि महंगाई की कोई नई लहर इस हवाले से? महंगाई तो गरीब आदमी को तो इन्होंने बिल्कुल मार दिया है, लोग बहुत परेशान हैं, जिसका रिज़ल्ट भी आपके सामने है। आवाम ने अपना ये जो रद्दअमल दिया है, पंजाब जिसमें जो इलेक्शन हुए हैं उसमें रद्दअमल, आवाम का रद्दअमल सामने आया है और इंशाल्लाह आप देखेंगे जनरल इलेक्शन में भी 2/3 डॉलर महंगा होने से आवाम का रद्दअमल शदीद सामने आएगा। जुनैद अनवर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डॉलर तगड़ा होने के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं, इस हवाले से मजीद बात करते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम खान बताइएगा। बिल्कुल, मुल्की मैशत के हवाले से बात करें तो दिन ब दिन मुल्की मैशत जो है वो कमज़ोर होती जा रही है, डॉलर जो है वो मज़ीद तगड़ा होता जा रहा है। इसी पर हम बात करते हैं मुल्तान के कारोबारी अफराद से कि वो इस इजाफे को किस तरह से देख रहे हैं। सर बताइएगा, मुल्की मैशत डाउन होती जा रही है, डॉलर मज़ीद महंगा होता जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? इस वक्त मुल्क में बिल्कुल बेयकीनी की कैफियत है, हुकूमत है लेकिन हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, जिससे डॉलर जो है वो बहुत स्पीड से ऊपर जा रहा है। जितना डॉलर ऊपर जा रहा है उतनी ही पाकिस्तानी की जो ज़िंदगी है उतनी ही मुश्किल हो रही है, सांस लेनी हमें, हर चीज़ जो है वो महंगी हो रही है। हुकूमत बिल्कुल जो है इस पे कंट्रोल करने में नाकाम है। इस वक्त चाहिए इनको, जो फैसला टेकर है हमारे पाकिस्तान के, कि फिल वक्त फ़ौरन इलेक्शन करवाए जाएँ, जो भी नई हुकूमत है ताकि उसकी जिम्मेदार हो और ताजरों को और आवाम को सुख का सांस मिले। मौजूदा हुकूमत से क्या कहेंगे? मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि अगर वो इस मामले को नहीं संभाल सकती तो उनको ये हुकूमत लेनी ही नहीं चाहिए थी। अगर उनके पास इसको संभालने के लिए सलाहियत नहीं थी, अगर इसको लिया है तो अगर नहीं चला सकते तो फिर फौरन रिजाइन देकर नई हुकूमत के लिए इलेक्शन करवाया जाए। ठीक है जी, बिल्कुल जी। कारोबारी अफराद जो हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि अब इलेक्शन जो है वो करवाएं। मुईशत को मुस्तहकम करने के लिए नए इलेक्शन फिलफौर ज़रूरी बन गए हैं। हमारे नुमाइंदे इब्राहिम खान हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान के इलाके ईदगाह चौक पर लाखों रुपए की लागत से बनाए गए ट्रैफिक सिग्नल खस्ता हाली का शिकार है। ट्रैफिक सिग्नल्स तो लग गए लेकिन सिग्नल्स को फ़ाल नहीं किया जा सका। मजीद राना बिलाल से जानते हैं। जी राना बिलाल बताइएगा, इन ट्रैफिक सिग्नल्स को ऑन क्यों नहीं किया गया अभी तक? जी बिल्कुल, ट्रैफिक सिग्नल के हवाले से बात करें तो मुल्तान की अहम शहरों पर ट्रैफिक सिग्नल्स मौजूद नहीं हैं। बात करें कचहरी चौक, चौक कमारा वाला, MDA चौक और सदन वाले बाईपास पर ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं लगाए गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ईदगाह चौक पर, यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स तो लगाए गए हैं, ना तो यहाँ पर कोई ट्रैफिक वार्डन मौजूद है, ना इन सिग्नल्स को जो है फ़ाल किया है, जिससे हादसा और रोनमा पेश आ रहे हैं। कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर जा रहा है, जिससे कीमती जानों का ज़िया भी हो रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इनको किन मुश्किलात का सामना है। लोग चलाते हैं, बत्तियाँ भी लगी पड़ी हैं, सब कुछ लगा पड़ा है, कोई रूल नहीं है इनका, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। मेरा तो कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो, काफ़ी यहाँ हादसे होते रहते हैं, लेकिन इस चीज़ को कोई नहीं देखता, ना ट्रैफिक पुलिस वाले देखते हैं, ना इस चौक पे होते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। जी इनका कहना है जी कि कोई पुरसाने हाल नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं फाल नहीं किए गए यहाँ पर, जिससे हादसा और रोनमा पेश आ रहे हैं। इनका यही कहना है कि जल्द से जल्द जो है ट्रैफिक सिग्नल फाल किए जाएं। मुजफ्फरगढ़ में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया, दर्जा हरारत में इजाफा होते ही बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया। इस हवाले से बात करते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर डोगर बताइएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवा में आज शदीद गर्मी का राज है और गर्मी की वजह से शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के साथ ही परेशानी की बात यह है कि मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजान आबाद इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है, जिसकी वजह से कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो सुबह से लोड शेडिंग हो रही है? एक तो जी गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप है बहुत ज़्यादा, फिर ये इलेक्शन से पहले इतनी लाइट नहीं जाती थी, अब तो 6 से 7 घंटे लाइट जाती है जी। ये किनवान चौक हो गया, ये ममला चौक हो गया, इधर टिब्बेरी साइड पे चले जाओ, यकीन करो 7-8 घंटे लाइट होती नहीं है, पता ही नहीं होता कि लाइट है या नहीं है। बच्चे हमारे बहुत परेशान हैं, हम खुद बहुत परेशान हैं। सारे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आप? इधर जो है ना बहुत लोड शेडिंग है, किनवान चौक और मुजफ्फरगढ़ में बहुत गर्मी है, इसमें बहुत ही लोड शेडिंग है, 6-7 घंटे बिजली आती नहीं। मर्द हजरात जो हैं वो बाहर निकल आते हैं, जो घर में बेचारी औरतें और बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत लोड शेडिंग है। क्या मुतालबा करना चाहते हैं आप? हुकूमत से यही अपील करते हैं कि शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आमिर डोगर आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि रोड पक्का नवाही इलाका एनू वाला हासिल चौक में 8 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब है। ट्रांसफार्मर खराब होने से इलाका मकीनों को परेशानी का सामना है। मजीद आशिक हुसैन कुरैशी से जानते हैं। जी आशिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये करोड़ पका का नवाई इलाका है, चौक दादा एन वाला, हासिल वाला, वहाँ पर एक हफ्ते से जो है ट्रांसफार्मर ख़राब होने की वजह से पूरे इलाके में लाइट नहीं है, जिसकी वजह से इलाका मकीन शदीद परेशान है। पानी की शदीद कमी है। अल इलाका जो है 2-2 किलोमीटर सफ़र करके दूर से पीने का पानी भरने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त उन्होंने मेन जो शारा है उसको जो है एहतजाज करके बंद किया हुआ है। मजीद बात करेंगे शहरियों से। जी बताइएगा, क्या परेशानी है, क्यों जो है वापडा वाले आपका ये मसला जो है हल नहीं कर रहे? 8 दिन हो गए हैं, उनको कह रहे हैं कि कोई नहीं आ रहा और पानी की बड़ी कमी है और जानवर भी प्यासे हैं और बड़ी दूर से पानी ले आते हैं, जानवर को पानी पिलाते हैं, बहुत तंगी हो रही है। जी इनका कहना है कि कई रोज़ से यहाँ पर बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर जो है नहीं बनाया जा रहा। मजीद शहरियों से बात करेंगे। जी आप बताइएगा, ट्रांसफार्मर क्यों नहीं बना के दे रहे वापडा वाले? ये जी काफ़ी पहले भी यानी ख़राब हो जाता है और इस दफ़ा मजीद हर घर से 300 रुपये फी इकट्ठा किया गया है और 200-200 रुपये मांगे गए हैं, यानी कि शहरी सब इलाके वाले इकट्ठा करके फिर बनवाते हैं। और इसके अलावा हर घर वाला परेशान है, दूर दूर से ना पानी लेके आता है जानवरों के लिए, और सब दुकानों वाले भी परेशान हैं, इनका कारोबार भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। जी जैसे कि यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है कि 8 रोज़ से यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर ख़राब होने की वजह से यहाँ पर लाइट नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो शदीद परेशान है। ट्रांसफार्मर ख़राब होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मियांवाला में रोही की खबर पर एक्शन। सूबाई मुहतसिब ने नोटिस लेकर सरकारी एराज़ी पर कायम सब्जी मंडी हटाने का हुक्म दे दिया। आपको बता रहे हैं, इस वाले से मजीद बताएंगे अख्तर मजाज। जी अख्तर मजाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, अरसा दराज से सब्जी मंडी की जो अराजी है, महकमा हाउसिंग की अराजी है, और वहाँ पे बगैर उजरत के बहुत सारे आड़तियान जो है कब्जा किए हुए हैं। इस हवाले से वफाकी मुतसिब और सूबाई मुतसिब एक्शन भी ले चुके हैं, नोटिस भी ले चुके हैं, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। एसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, लाखों करोड़ों रुपए की अराजी है, कोई रेंट नहीं दिया जा रहा है, क्या होने जा रहा है इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस हवाले से मैं ये आप लोगों को जो है वो गोशगुजार करूँगा। एक तो ये है कि पहले ऑलरेडी हमारे पास जो है ये सब्ज़ी और फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट की जो है प्रॉपर जगह नहीं थी, तो पहले और बाजार के करीब उन्होंने लगाई हुई थी। अभी रिसेंटली जो है ये हाउसिंग की जो जगह थी इस पे जो है आर्जी तौर पे उन्होंने अपना जो है ना सेटअप लगाया हुआ था। तो इसमें परमानेंट अलाटमेंट के सिलसिले में आज ही बल्कि हमारी जो है मीटिंग हुई है तमाम स्टेक होल्डर के साथ, क्योंकि हाउसिंग डिपार्टमेंट की जगह है, उसके साथ सेक्टरी मार्केट कमेटी के साथ, हमारे अंजुमन आड़तियान के साथ, जो है मुतलका रेवेन्यू ऑफिसर के साथ। तो इसका जो है हमने अब ये प्रोसीजर ये अडाप्ट किया है मुतलका डिपार्टमेंट के साथ जो है मिलके। वो ये है कि एप्लीकेशन जो है ये आड़तियान जितने भी हैं वो देंगे हमें, और उसको जो है हम सेक्टरी मार्केट कमेटी की जो है वो इनपुट लेते हुए डीसी साहब को जो है इनका केस फॉरवर्ड करेंगे, और अकॉर्डिंगली जो इनकी अलाटमेंट का जो प्रोसेस है वो हम जो है स्टार्ट करेंगे, ताकि इनको एक मखसूस जगह हो और जहाँ पे वो अपने जो है पैसे कंपनसेशन दे के उनको जो है देखो प्रॉपर हम जो है ना ये शॉप्स अलाट करें, और ये जो एक बड़ा क्रॉनिक जो इशू चल रहा है इसको जो है हम वंस एंड फॉर ऑल जो है इसको रिजॉल्व कर दें। जी सर छोटा सा सवाल है, सर कई सालों से ये लोग बैठे हुए हैं, करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, एमसी को भी 1 रुपया नहीं दिया गया, मार्केट कमेटी को, हाउसिंग को, किसी को भी, क्या रिकवरी भी होगी सर? जी उस हवाले से ये है क्योंकि बल्कि इसमें 2 फेज़ हैं। एक तो ये है कि ऑलरेडी एक मखसूस जगह 14 कनाल जो है वो उन्होंने एलोकेट की है हाउसिंग वालों ने, जो उन पे बैठे हुए हैं, लाजमी बात है उसको हम लीगलाइज करेंगे, और अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने इलीगली अगर बैठे रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके खिलाफ हम लीगल एक्शन जो है मुतलका डिपार्टमेंट को हमने कह दिया है कि वो उसके लिए वो फ्लोट कर दें। और दूसरा इसका ये है कि जो मतलब लोग अगर ग्रीन बेल्ट पे या ऐसे एरिया पे बैठे हुए हैं तो वो हम फिलफौर जो है उसको जो है रिमूव करवाएंगे। जी बिल्कुल, महकमा ज़राअत की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपए की मालियत की जाली खाद और ज़रूरी अद्वियात कब्जे में ले ली। कार्रवाई मुल्तान के नवाही इलाके अड्डा वजीराबाद नज़द गर्देजी मोड़ पर की गई। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली रियाज। अली रियाज बताइएगा, क्या कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, महकमा ज़राअत की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई, और ये कार्रवाई जो है मुल्तान के नवाही इलाके अड्डा वजीराबाद नज़द जो गर्देजी मोड़ जो है यहाँ पर की गई है। इस वक्त अगर बात की जाए तो यहाँ पर करोड़ों रुपए की मालियत की जो जाली खाद और जो जाली जहर हैं वो जो है कब्जे में ले गए हैं। कार्रवाई जो है डिप्टी सेक्रेटरी जनूबी पंजाब आसिफ रजा साहब की क़यादत में की। उनसे पूछना जानते हैं सर ये कितना ही की सारा वैल्यू होगी और ये कौन कौन सी कंपनीज़ के ब्रांड ये बना रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने जो कार्रवाई है एक सोर्स रिपोर्ट पे की थी, इन्फॉर्मेशन थी, और इसमें हमने जब रेड किया तो हमारे पास जो हमारी नेशनल लेवल की कंपनी है उसमें एफएफसी है, फातिमा फर्टिलाइज़र, पाक अरब है, उसकी जो है जैली खादें जो बन रही थी वो यहाँ पे मिली हैं और जिसकी मालियत तकरीबन 50 लाख के करीब है। इसी तरह हमारे जो पेस्ट वार्निंग की टीम थी उसने जब यहाँ पे बगौर मुलाहजा किया तो यहाँ पे जेली जो है पेस्टिसाइड भी हमें मिली है और जेली ये जो पेस्टिसाइड है इसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ के करीब है और ये हमारी जो नेशनल लेवल की कंपनियाँ हैं जिसमें सिंजेंटा है, एफएमसी है और सनक्राप है, इनकी जेली लेबलिंग में ये पाई गई है और उसमें तमाम जो ज़रूरी कार्रवाई है हम वो कर रहे हैं और जो भी इसमें अनासर मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैंने 18 आपको दिखाया कि यहाँ पर जो है सैकड़ों की तादाद में जो जाली खाद के जो थैले हैं, बोरी हैं, वो मौजूद हैं। इसी तरह अगर स्प्रे के बारे में बात किया तो बताया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए की मालियत के जो जाली जो जहर है वो यहाँ पर महकमा ज़राअत की टीम ने कब्जे में ले लिए गए। इस मौके पर जो है पेस्ट वार्निंग के भी जो अफसरान यहाँ पर मौजूद थे और कार्रवाई करके 3 मुलजमान को यहाँ पर थाना बस्ती मलूक के यहाँ पर जो पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं उनके नाम से कहा जा रहा है कि जो इस सामान का जो मालिक है वो मौके से फरार हो चुका है, जबकि 3 जो मुलजमान हैं उनको मौके से सामान का मालिक मौके से फरार हो चुका है। हमारे नुमाइंदे अली रियाज, अपडेट किया आपने, शुक्रिया आपका। राजनपुर पुलिस का कच्चे में क्रैकडाउन के नतीजे में 3 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। डीपीओ के मुताबिक डाकुओं का ताल्लुक कच्चा के बदनामे जमाना उमरानी गैंग से है। डाकुओं में पांधी उमरानी, पन्नू उमरानी और मौला बख्श उमरानी शामिल है। डाकुओं को हर सूरत कानून के पाबंद किया जाएगा। राजनपुर में पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस का कच्चे में क्रैकडाउन के नतीजे में 3 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। डाकुओं का ताल्लुक कच्चे के बदनामे जमाना उमरानी गैंग से है। डाकुओं में पांधी उमरानी, पन्नू उमरानी और मौला बख्श उमरानी शामिल है। डाकुओं को हर सूरत कानून के पाबंदे सलासल किया जाएगा। आपको बता रहे हैं राजनपुर पुलिस का कच्चे में क्रैकडाउन के नतीजे में 3 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। डाकुओं का ताल्लुक कच्चे के बदनामे जमाना उमरानी गैंग से है। डीपीओ के मुताबिक डाकू में पांधी उमरानी और दीगर शामिल है। भावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुहर्रम के इंतजाम बारे तकरीब का अहतमाम। डिप्टी कमिश्नर इरफान काटिया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निजार भी तकरीब में मौजूद है। आपको बता रहे हैं भावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुहर्रम के इंतजाम बारे तकरीब का अहतमाम किया गया है। डिप्टी कमिश्नर इरफान काटिया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निजार भी इस तकरीब में मौजूद है। अब से कुछ देर बाद आपको इस तकरीब में बराह रास्त लिए चलेंगे। आपको आगाह कर रहे हैं भावलपुर से, जहां चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुहर्रम के इंतजामात बारे तकरीब का अहतमाम किया गया है। आइए आपको बराह रास्त वहां लिए चलते हैं। जब ये मेरे इल्म में आई बात के जो हर साल की तरह लाइसेंस दौरान की इस दफ़ा मीटिंग वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको मेज़बानी कर रहा है, तो ये बड़ी खुशी की बात थी कि इस दफ़ा वैसे भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सदारत ये हाफिज साहब के पास होने से हमें पहले इनके 3-4 फ़वाद थे, अब कोई 10-12 फ़वाद हो गए हैं कि हाफिज साहब का बड़ा मुख्तसरन कि ये ना सिर्फ ज़िलई हमारे जहाँ पे भी अमन की बात होती है वहाँ हाफिज साहब, इनकी पूरी टीम, इनका काफिला, उसका वो तस्करा होता है, बल्कि डिविजनल और सूबाई लेवल पे भी जो इवन चीफ मिनिस्टर साहब तक हमारी नुमाइंदगी ज़िले की या हाफिज साहब और इनके साथ हमारे इस टीचर के बाकी लोग जो हैं वो हमें वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की काविशों की वजह से बहावलपुर वो एक अमन का गहवारा है। बड़ा मैं मुख्तसरन सिर्फ आपको ये बताता चलूँ कि मुहर्रमुल हराम किसी भी ज़िले में और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक नहायत ही अहमियत का हामिल ये महीना होता है। हमारे सोग के दिन होते हैं और हमारे अहले तशी भाई जो हैं उनकी ये इबादत और उसमें हमें इंतज़ामिया को मैक्सिमम चीज़ों को सहल करना होता है, अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी होती हैं। तो अब तक इस ज़मन में बुलेटिन में आपको एक अफसोसनाक खबर देते हैं। डीजी खान से फोर्ट मनरो में गार्ड्स की अमेरिकन लड़की से मुबैना ज़्यादती। अमरीकी अरबेला 15 जुलाई को कराची से लाहौर पहुंची थी। अरबेला प्राइवेट टूर गार्ड्स मुजम्मिल शहजाद और आबिद के हमरा फोर्ट मनरो पहुंची थी। मुलजिमान ने 2 रोज फोर्ट मनरो में रखा और ज्यादती का निशाना बनाते रहे। अरबेला ने ये इल्जाम लगाया है कि राजनपुर पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको अहम खबर है यहां आप तक पहुंचा रहे हैं। डीजी खान से फोर्ट मनरो में गार्ड की अमेरिकन लड़की से मुबैना ज्यादती। अमरीकी अरबेला 15 जुलाई को कराची से लाहौर पहुंची थी। अरबेला प्राइवेट टूर्स गार्ड मुजम्मिल शहजाद और आबिद के हमरा फोर्ट मनरो पहुंची थी। मुलजिमान ने 2 रोज फोर्ट मनरो में रखा और ज्यादती की। अरबेला का इल्जाम, राजनपुर पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता रहे हैं फोर्ट मनरो में गार्ड्स की अमेरिकन लड़की से मुबैना ज्यादती का वाकया सामने आया है। अमरीकी अरबेला 15 जुलाई को कराची से लाहौर पहुंची थी। अरबेला प्राइवेट टूर गार्ड्स मुजम्मिल शहजाद और आबिद के हमरा फोर्ट मनरो पहुंची थी। मुलजिमान ने 2 रोज फोर्ट मनरो में रखा और ज्यादती की। अरबेला ने उन पर यह इल्ज़ाम लगाया है। राजनपुर पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अजमत बुजदार ने। अजमत बुजदार साहब, ये बताइएगा कि ये क्या वाकया है आखिर? जी बिल्कुल, डीजी खान में अमेरिकन नेशनल लड़की अरबेला कुछ दिन पहले यहाँ पे राजनपुर पहुंची थी 2 प्राइवेट गाइड के साथ। जामपुर से फिर ये फोर्ट मनरू पहुंची। फोर्ट मनरू जो कि सियासी मकाम है जहाँ पे गैर मुल्कियों का दाखिला भी ममनू है, तो वहाँ पे ये अपने 2 साथियों के साथ जो कि प्राइवेट गार्ड थे उनके साथ उनका राब्ता था, तो यहाँ से ये पहुंची हैं मुजम्मिल आबिद के हमरा, और मुबैना तौर पर ये लड़की के मुताबिक उसे इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया, जिसके बाद राजन पुलिस ने कार्रवाई की और मुलजिमान को हिरासत में ले लिया है। अभी तक ये सवाल पता जरूर हो रहा है कि ये खातून जहाँ तक पहुंची कैसे फोर्ट मनरू में जहाँ पे गैर मुल्कों का दाखिला ही ममनू है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया असमत बुस्तार, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। डीजी खान में फोर्ट मनरो में गार्ड्स की अमेरिकन लड़की से मुबैना ज्यादती का वाकया सामने आया है। फोर्ट मनरो में गार्ड्स की अमेरिकन लड़की से मुबैना ज्यादती। मुल्तान पुलिस की तरक्कियां, 91 कांस्टेबल्स को तरक्की दे दी गई। 44 कांस्टेबल्स को C1 लिस्ट में शामिल कर दिया गया। 47 कांस्टेबल्स को C2 लिस्ट में शामिल कर दिया गया। तरक्की के मुंतज़िर CPO मुल्तान ने दी। आपको बता रहे हैं मुल्तान पुलिस में तरक्कियां, 91 कांस्टेबल्स को तरक्की दे दी गई। 44 कांस्टेबल्स को C1 लिस्ट में शामिल कर दिया गया, जबकि 47 कांस्टेबल्स को C2 लिस्ट में शामिल कर दिया गया। तरक्की की मंजूरी CPO मुल्तान ने दी। मुल्तान पुलिस में तरक्कियां, 91 कांस्टेबल्स को तरक्की दे दी गई।